आज जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, नगर के बड़े आदमी और पालिका प्रशासन जहां एसी और कूलर में बैठे हैं, वहीं समाज के प्रति करुणा प्रेम रखने वाले आचार्य और एक मजदूरी करने वाला इंसान तेज धूप और तपन से तप रहे नागरिकों को गमछा देकर दिया रहा। नमस्कार, मैं अनिल सक्तर, आप देख रहे हैं अनिल सक्तर ऑफिशियल। गोपी नगर के समाज सेवियों और चंदे इकट्ठा कर अपनी पहचान बनाने वालों को पीछे छोड़ धूप से बचाव के लिए आगे बढ़े आचार्य पुरोहित ने लगभग 100 से ऊपर आम नागरिकों को गमछा देकर धूप और तपिश से राहत प्रदान की। गुरुवार को मध्य दोपहर राजमार्ग के चौराहे पर आचार्य पंडित शरद पांडे का नगर में सराहनीय प्रयास उस समय चर्चा बना रहा जब पुरोहितों ने इस भीषण गर्मी से बचाव को लेकर राजमार्ग चौराहे पर सैकड़ों आम नागरिकों को गमछा वितरित किया। बताते चले, गुरुवार को पुरोहित आचार्य पंडित शरद पांडे अचानक लोगों में चर्चा का विषय बन गए जब इस भीषण गर्मी में भी नगर में समाज सेवियों द्वारा एक प्याऊ की भी व्यवस्था नहीं की गई। वहीं एक पुरोहित जो पूरे दिन यजमानों के अच्छे स्वास्थ्य, उनके व्यापार, परिवार की सुख शांति की कामना के लिए पूरे दिन पूजा पाठ करके मिली दक्षिणा से इस भीषण गर्मी में राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर आते जाते आम राहगीरों को गमछा भेंट कर गर्मी से बचाव रखने की सलाह दी। वहीं भीषण धूप में ड्यूटी कर रहे यातायात पुलिस कर्मियों को भी गमछा दी जो चर्चा में बना रहा। पुरोहितों के इस मानवता भरे पुनित कार्य की पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। इस मौके पर पंडित हरिओम मिश्रा, पंडित दीपक चौबे सहित राजू अग्रहरी आदि का सराहनीय योगदान रहा। नमस्कार, मैं अनिल सक्तर, आप देख रहे अनिल सक्तर ऑफिशियल। कुछ नहीं है, बाबा बड़े सिंह की प्रेरणा से मन में इच्छा हुआ, अगले वर्ष भी हमने सैकड़ों रुमाल गरीबों को दिया और इस वर्ष भी मन में इच्छा हुआ तो हम लोग विचार किए कि इसमें इतनी गर्मी पड़ रही है और धूप से बचने के लिए लोगों को, जरूरतमंदों लोगों को हमने गमछा वितरण करने का विचार मन में बनाया, जो इस चौराहा पर लोगों को हमने गमछा वितरण किया। सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी भावना है, तो हमारा मन में विचार ऐसा उत्पन्न हुआ तो हम लोग ब्राह्मण लोग मिलकर के या विचार किया कि हम लोग अपनी तरफ से गमछा वितरण कर दिया जाए।